चलें जी, ऑडियो हमने रिकॉर्ड की। मैंने कहा व्लॉग शुरू कर लूँ, जो थोड़ा सा बनाया था, जो हम बना रहे हैं व्लॉग रेगुलर। अच्छा, तो मरियम उनकी रिक्वेस्ट थी कि प्योर सैंड की स्मैशिंग करें, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज कर लिया, और राबिया उनके लिए भी। राबिया कह रही थी आप तो भूलेंगे, मैंने आपको कब से कहा हुआ, तो आज मैंने ये इस प्योर टेक्सचर की वो की है आपकी स्मैशिंग, मिक्सिंग भी और स्मैशिंग। और अब हम व्लॉग शुरू करते हैं, इसी स्टेप से मैंने कहा कर लेते हैं शुरू, यहाँ से ही हम करते हैं। इसकी एक शेप रख ली थी पहले, ये जो मिनी क्रशिंग है कर लें आप लोगों के फेवरेट। ये देखें जो एक शेप रखी है, इसको हम करते हैं क्रम्बल। अच्छा, यहाँ पर अब ये प्योर से सॉफ्ट की हो गई है, मतलब मिक्स टेक्सचर है इस स्लैब में, यानी ब्राउन भी हैं, प्योर भी हैं, ग्रिटी भी हैं। इधर ग्रिटी की करते हैं, ग्रिटी ब्राउन ये। चलो जी, ये चेक करें, जो तो पीछे टेक्सचर है वो जो उधर बनाएगी उसमें मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी, ये भी सॉफ्ट टेक्सचर है। ये चेक करें, सफाई वाला भी है, मिक्स इसमें टेक्सचर है, और ये टेक्सचर और ये वाला ये सेम है। इसकी हम इधर अलग कर लेते हैं इस साइड पे, फिर इसको ना यहीं से उठा लेंगे। अच्छा, ये कलर देख के याद आ गया, ऐशे से मार वो पूछ रही थी कि आप कलर कौन सा यूज़ करती हैं, ज़रूर प्लीज़ मुझे बताएँ। ये देखें, ब्लू बर्ड इसका नाम है, ये ना जो पेंट वाली दुकान होती है ना उधर से मिल जाता है, ये चेक कर लें। ठीक है, वो आज मैं सबके कमेंट्स पढ़े, इतना अच्छा लगा, बहुत अरसे के बाद मैंने कमेंट्स पढ़े थे आज,
तो हैप्पी लाइफ लोग उनका भी पढ़ा, वो कह रही थी मैंने आपका सफाई वाला देखा है, लोग उनको बहुत अच्छा लगा कि क्लीनिंग की थी वो। क्लीनिंग मैंने बोला कैसे की थी, हमारे जमे में छुट्टियाँ थी तो मैंने वो, फिर ऐसा होता है कि लड़कियाँ हों फिर वो ज़्यादा नहीं करने देती, फिर वो मैंने खुद अकेली, इतनी शदीद गर्मी थी उन दिनों और यह बस वाला मौसम था, तो वो मैंने की थी क्लीनिंग, तो और की भी तकरीबन वो 3 या 4 दिन में थी, आप अंदाज़ा करें वो, इसलिए इतने पार्ट में है वो। तो कह रही थी इतना अच्छा लगा, और मुझे लगता था कि मैंने तौबा कर ली थी, आइंदा मैंने नहीं करनी सफाई। फर्स्ट टाइम ही मैंने किए थी, और मतलब पहली और आखिरी दफ़ा। तो कह रही थी एक और ब्लॉग बनाए तो जिसमें सारे टेक्सचर की क्रमलिंग और उनके नाम के साथ, तो इंशाल्लाह ताला बस ये वाला ब्लॉग ख़त्म कर लूँ तो फिर बनाऊँगी। इसका तकरीबन एक पार्ट और आएगा जिसमें रेड रेड तो आज हो जाएगा इंशाल्लाह, वाइट और मड वगैरह। इसको भी लग रहने दें क्योंकि ये देखें ये सॉफ्ट है, इसमें कोई स्टोन वगैरह नहीं है, और ये इसके अंदर है स्टोन, इसको भी अलग ही रहने देंगे। बाकी आगे चलते हैं, अब साथ साथ जो आई जाते हैं फटाफट क्रम्बलिंग करते हैं ताकि व्लॉग पूरा हो। मटी के भी इधर ही कर लें क्योंकि इसी लाइन में है, यहाँ करते हैं। ये जो बॉल वाले मड हैं ये इतनी जिद्दी वाले बन गए ना, हार्ड, बिल्कुल ही हार्ड नहीं क्रम्बल होते ये। एक आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ कलर भी बहुत अजीब आ रहा है, लग रहा है रेड में, मैंने सोचा था मैं अपना ओल्ड फूड लगाऊंगी। ये चेक करें जरा, अच्छा सैयदी आप कह रही थी रेड की क्रम्बलिंग करें, अब आपने देखा होगा मैंने आते ही रेड की 3 या 4 सेट लगाए हैं कि उनकी हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो फिर रह गई क्योंकि उस सर पर मोटर चलने लग गई थी, मैंने फिर वैसे ही छोड़ दिया उसे, और अब लोग बनाते बनाते शाम हो जानी है। ये भी हार्ड है, जैसे हमने गाची को सही किया ना इनको भी कर लेना इंशाल्लाह। नहीं ये भी हो गया, ये पीछे ग्रीन येलो टेक्सचर है, इसकी तो काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बनी, हम इसको व्लॉग में ही क्रम्बल कर रहे हैं। ये देखें जी, ये बात तो है ना व्लॉग में खलारा बहुत डलता है ऐसे, जो सारे टेक्सचर का हम करते हैं ना, उस दिन भी मगरिब के बाद फिर सारा जो जो क्रम्बल किए थे वो सारे समेटे बच्चियों ने भी साथ लग के। अच्छा सादिया फैसल आप पूछ रही थी कि सारे टेक्सचर तो है हैंडमेड होते हैं, तो वो हैंडमेड कैसे, जो सीमट ग्रिटी है? अच्छा वो इस तरह हैंडमेड है कि उसकी ना हमने पहले सीमट को प्रॉपर उसको ना उसकी शेप्स बनाई, उसको ड्राई किया, फिर उसको क्रश किया, वो ऐसे हैंडमेड है, मतलब उस क्रश कर करके फिर वो ऐसा हुआ है। ये तकरीबन मेरे पुराने टेक्सचर्स में है, मेरी पहली जो है ना उनको पता है कि इसको कैसे क्रश किया था, इतनी मुश्किल से, तो बहुत छत हमारी लगता है इसी से ही ली थी, इतना बड़ा पहाड़ बन गया था उसको फिर तोड़ा। और काफ़ी देर में यही सोच रही लगता उसकी वजह से छत का हुआ ये हाल। चलिए ठीक है, ये वाटर क्रम्बलिंग का मुझे रिक्वेस्ट आई, मतलब उन्होंने कहा था, रिक्वेस्ट का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना, उन्होंने कहा था कि ये वाटर क्रम्बलिंग करें, तो ये थोड़ी सी है इंशाल्लाह ताला इसकी कर देंगे वाटर क्रम्बलिंग। अच्छा यहाँ पर गाची उस दिन से रखी हुई है आपके लिए, इसको हालांकि हमने नहीं भिगोया, वो इसलिए कि ये ब्लॉग में करनी है क्रम्बल। ये देखें जी इसका ही थम्मे ले लेते हैं, गाची की फैन पूरी दुनिया है वो, इसलिए कि ये
खाने के लिए भी सबको बहुत पसंद है। लेकिन इसमें ना सीमट है, मैं यहाँ ये ना मेरी बच्चियाँ सुन लें और सोचें हम खा सकते हैं, इसमें सीमट बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको खा नहीं सकते। अच्छा ये सब्सक्राइबर पूछ रहे थे इनका नाम क्या था, इंसा एंजल शायद या सदफ उस्मान या ऐसे करके नाम था, वो पूछ रही थी कि आप क्या चलाती हैं, एकेडमी है या कोई स्कूल है जो बच्चियां आपके पास। तो हमारा ना जामिया है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चियां पढ़ती हैं यहाँ, तो वो है चले जी। अब यहाँ भी एक रखा था, ये ब्लैक ब्लैक ग्रे दो भी कह लें इससे, जो लोग में नज़र आएगी इस टाइम वही है क्योंकि ये थोड़ी सी है बस, एक पहले उस दिन लोग में कंबल की थी। पहले वाली अभी तक बेचारी ऐसे ही है। मैं सोची थी मड वाला लोग अलग बनाऊंगी लेकिन अब शुरू इधर ही से ही कर रहे हैं, तो चलो अंदर जाते वाइट और रेड का चाहे अलग आ जाए, यहाँ करते हैं मड। ये देखें कहते हैं सितंबर के आखिरी हफ्ते में बारिश है, तो उससे पहले मैं सोची थी एक स्लैब बना ही लें। सेलिब्रेशन वीडियो को आप लोग पूछ रहे हो, तो वो ना अभी तक तो कोई उसकी बस करेंगे इंशाल्लाह कोशिश। सच्ची में सोच रही थी 10K पे सही वाली कर लेंगे। नर्स एप्पल कह रही थी आप उसको सीरीज में कर लें कि सीरीज शुरू करें और उसमें कर लें। अच्छा राबिया भी कह रही थी हैप्पी लाइफ व्लॉगर, वो भी कह रही थी आप सीरीज शुरू करें, तो इंशाल्लाह ताला आप जैसे लोग मोटिवेट करने के लिए बैठे हैं तो मैं कर ही लूँगी इंशाल्लाह शुरू। ये देखें जी चलें ठीक है, अभी इधर आ जाते हैं जो इधर मड है वो ब्राउन है, ये तकरीबन येलो येलो है लेकिन ये भी थोड़ी हार्ड है। थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा ये तकरीबन सारी मट सेम ही है, तो इसमें से ग्रीटी और ग्रेनी वो मैं अलग कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ ग्रेनी कौन सी। यहाँ खलारा देखें ब्लैक की वजह से इतना ज़्यादा पड़ गया है ना, ब्लैक को ना बस
ये चेक करें, चलो यहाँ ग्रीटी है जिसमें बिग स्टोन है, मतलब इतने भी नहीं है बड़े वाले, बस सही है। चलो यहाँ ग्रीटी मड़ा, इसमें स्टोन डाले हैं। चलिए ठीक है। अच्छा चलो ये लास्ट वाली मड रह गई है। अच्छा जो वाइट बनाई है वो तो बस नगारा ही बनी है, वो किसी काम की नहीं बनी। पता नहीं क्यों उसको सही करेंगे, दोबारा शुरू शुरू में सही थी, फिर वो इतनी हार्ड हो गई है। अच्छा शादी आप पूछ रहे थे हैंडमेड। अच्छा ये भी हैंडमेड है, वो इसलिए कि इसको हमने, ये मड खुद से नहीं हुई, जैसे मड में हमने कलर वगैरह ऐड किए वो नहीं है, इसके अंदर इसको हमने किसी टेक्सचर से निकाला है क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाती थी, फिर उसको हमने भिगो कर फिर उसका लिक्विड सारा अलग किया, उसको दोबारा शिफ्ट किया, फिर ये हैंडमेड बनी है। चलिए ठीक है, ओके फिर मिलेंगे। सिर्फ एक पार्ट रह गया जिसमें रेड और वाइट करेंगे क्रम्बल, इंशाल्लाह कल कर लेंगे, अब टाइम भी थोड़ा है, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।